हाय एवरीवन, चलिए आज चावल का चटपटा चीला बनाते हैं। चावल के आटे के दो टाइप के मैं नाश्ते बताऊंगी आज आपको। ये देखिए, मेरे पास में यहाँ एक बड़ी कटोरी चावल का आटा है। इस बाउल में मैं इस आटे को डाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स, चावल का आटा अगर आपके पास में नहीं है तो आप फिर मार्केट से लाइए, कोई भी किराना शॉप में मिल जाता है। और नहीं तो फिर आप एक किलो चावल को अच्छे से धो के बाहर सुखाइए धूप में, और सूखने के बाद में हम जहाँ गेहूँ पिसाने जाते हैं ना, उस चक्की पे चले जाइए और वहाँ से ये आटे को आप पीस के ला सकते हैं। ऐसा बनता है चावल का आटा, जैसे मैंने बनाई। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप वाटर लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ऐड करना है। और इस तरह आपको स्मूथ सॉफ्ट यहाँ पर इसका ऐसा पेस्ट बना लेना है। देखिए, इस तरह से ऐसा बना लेना है। एक साथ आपको वाटर ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे ही करना है। और फिर उसको आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दी। चलिए, अभी 10 मिनट के बाद में देखते हैं। 10 मिनट के बाद ये आटा अच्छे से सेट हो जाता है। और चलिए, अभी हम इसका चीला बनाते हैं। पैन में मैंने ऑयल पैन गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, घी या ऑयल जो भी आपको पसंद है। और उसमें ये आपको ऐसा डाल लेना है, इसको फैलाना नहीं है, नहीं तो ये फट जाता है इस तरह से। और अभी आपको दोनों साइड से अच्छे से इसको अलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है। देखिए, इस तरह से घी लगाइए, घी से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये हो गया है। इस तरह से आपको कर लेना है। थोड़ा क्रिस्पी ही बनता है, चावल के आटा है इसलिए। और ये मेरा बेटा ईशान चाय के साथ में इसको खा लेगा। ऐसे मैंने उसको दो चीले बना के दी हूँ। अभी चलिए, उसी बैटर में हम अपना मसालेदार टेस्टी डिलीशियस चीला बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही बारीक बारीक काटा हुआ एक बड़ा प्याज है, एक बड़ा टमाटर है, इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और बारीक बारीक काटी हुई हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस पेस्ट से। और हरा धनिया है, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, बहुत अच्छे दिखते हैं वो चीले में। और यहाँ पे मेरे पास में कड़ी पत्ता है, मीठा नीम, उसको छोटा छोटा काटी हूँ मैंने। अब हल्दी ऐड करना है, एक चम्मच। अब आपको तिल ऐड करना है, आप दो चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं यहाँ पर चीले में। एक चम्मच मिर्ची पाउडर है, उसको ऐड करना है। आधा चम्मच जीरा है, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा ही काला नमक है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। आप चाट मसाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी थोड़ा सा नमक डाला था। अब आपको इसको अच्छे से 5 मिनट तक फेंट लेना है, देखिए इस तरह से। और इधर मैंने पैन में घी लगा दिया है, और इस बैटर को आपको इस तरह यहाँ पे डाल देना है, ज़्यादा फैलाना नहीं है, नहीं तो वो टूट जाते हैं। देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे डालकर इसको चीले को अच्छे से, और आपको इस तरह से बड़ा छोटा जो भी साइज़ का आपको पसंद है ऐसा डाल लेना है। और एक साइड से जब ये पूरा पकता है तब हमको उसको पलट लेना है, और हमको इसको दोनों साइड से अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह से इसको सेक लेना है हमको, तभी हमारे ये जो चावल के आटे के चीले हैं क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर एक बार बनाइए, सिंपल सी रेसिपी है। और जो सामान लगता है वो सब हमारे घर में ही रहता है, तो आप ज़रूर से एक बार इसको ट्राई करिए। और जब भी हमारा रोटी खाने का मन नहीं है, उस दिन आप ये चीला ट्राई करिए। और क्रिस्पी बनता है ये, और हेल्दी भी है, आप इसमें कुछ सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसी तरह से सारे चीले बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारे चावल के आटे के चीले रेडी हो गए। आप फिर इसको टोमेटो सॉस या फिर मीठी कोई इमली की चटनी या हरी चटनी या फिर दही के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए, आपके भी बच्चों को पसंद आएंगे, आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।